दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छोटे बच्चों के गले में होने वाली सर्वाइकल ग्लैंड्स के बारे में। क्या वो टीबी की गांठें हो सकती हैं या फिर नहीं? तो जनरली बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि छोटी छोटी गांठें बनने शुरू हो जाती हैं, कभी इधर बनती हैं, कभी इस साइड बनती हैं। तो ये कंडीशन होती है सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। एक तरह की हमारी ग्लैंड्स होती हैं, सर्वाइकल ग्लैंड्स होती हैं, जिनमें सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल छोटे बच्चे से लेके लगभग अगर 2-3 महीने का बच्चा है उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और लगभग 10-12 साल के बच्चे को भी इस तरह की समस्या हो सकती है। तो बच्चों के केस में हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने आसपास के जो भी डॉक्टर हैं आप उनको दिखाइए, डायग्नोस करवाइए कि क्या प्रॉब्लम है। आज हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या ये टीबी की गांठें हो सकती हैं। क्योंकि जनरली आप एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाएंगे, बोलेंगे कि ये टीबी की गांठ है, जबकि वो उसकी जाँच तक भी नहीं करवाते हैं। तो और क्या सिम्टम्स आएंगे इस गांठ के अलावा? दोस्तों, एक टर्म होती है ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस। इसका मतलब ये है कि जो गले में गांठ निकल रही हैं वो टीबी की गांठ है, वो ट्यूबरकुलस गांठ है। ठीक है, एक तरह की बीमारी होती है टीबी, आप जानते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और जनरली देखा जाए तो फेफड़ों की बीमारी होती है, लंग्स की बीमारी होती है प्राइमरी, अगर हम इसको देखते हैं। सेकेंडरी हमारी बॉडी में कहीं पर भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो गांठें बनती हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती हैं। जो बच्चे के गले में गांठ हो रही हैं वो ऐसा नहीं होगा कि आज छोटी सी है और कल को वो बड़ी मिले, ऐसा नहीं, वो धीरे धीरे करके बड़ी होगी। अब उसमें समय भी लग सकता है कि वो 1 हफ्ते में ज़्यादा बड़ी हो, 2 हफ्ते में, या फिर 1 महीने तक भी वो रह सकती है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके बड़ी होती है। मेन इसमें क्या होता है कि वो मोस्टली केस में पेन लेस होती है। 95% केस में देखते हैं वो दर्द नहीं करती हैं, बच्चा उसमें दर्द नहीं बताएगा। तो वो धीरे धीरे करके बढ़ती हैं, उसमें दर्द नहीं होता, स्पीड से ग्रोथ नहीं करती हैं वो, और कई महीने तक, कई सालों तक भी रह सकते हैं अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ना दिया जाए। तो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं और एक भी हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज की हो सकती हैं। ये होगी दोस्तों गांठ की कहानी। अब आती है अगर पेशेंट को टीबी है तो उसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। तो सपोज़ कीजिए कोई बच्चा, उसके गले में 2-3 गांठ हैं और वो जनरल मेडिसिन से ठीक होने में नहीं आ रही हैं, तो पेशेंट के अंदर और क्या सिम्टम हो सकते हैं? तो एक तो उसको फीवर बार बार आता रहता है, या फिर कंटिन्यूसली उसको फीवर आ सकता है कि बुखार उसको बार बार आ रहा है। सेकंड, उसको भूख की कमी हुई है, उसको भूख नहीं लगती है, भूख की कमी भी हो गई, या फिर अगर पेशेंट खाना खाता है तब भी वो कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पेशेंट को भूख लग भी सकती है और नहीं लग सकती है। दोनों केस में देखने को मिलता है कि पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, उसका वजन घट रहा है। बच्चे का जो वेट है वो दिन भर दिन घटता जा रहा है, चाहे वो अच्छा खाना खा रहा है या फिर उसकी भूख कम हो गई है। नेक्स्ट सिम्टम आता है इसमें नाइट स्वेट्स। इसका मतलब यह है कि रात को सोते समय उसको पसीना ज़्यादा आता है। जनरली देखा जाए तो नॉर्मली औरों की कंपेयरिंग अगर हम करते हैं, औरों की कंपेयरिंग में बच्चों को पसीना ज़्यादा आता है। तो अगर ये सिम्टम्स आपके बच्चे के अंदर हैं, गले में गांठ हैं, तो आप यूट्यूब पर उसका समाधान मत ढूंढिए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, बच्चे की जाँच कराइए। जाँच से पता लग जाएगा कि भाई टीबी की गांठें तो नहीं बन रही हैं। एक टीबी का टेस्ट होता है एमएक्स टेस्ट, जिसको मेंटॉक्स टेस्ट भी बोला जाता है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। लगभग 100-150 रुपये की आसानी से जांच हो जाती है और पता लग जाता है कि बच्चे को टीबी की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर वो भी निकलती है तो लगभग 6-8 महीने में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो टेस्ट है अगर वो पॉजिटिव आता है तो ही टीबी की मेडिसिन चलाई जाती हैं कन्फर्मेशन के लिए। विदाउट कन्फर्मेशन वो मेडिसिन नहीं चलाई जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, नुकसानदायक वो होती हैं। तो पेशेंट को अगर टीबी डायग्नोस होता है कि हाँ भी इसको माइबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का इन्फेक्शन है, तो ही उस तरह की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन चलाई जाती हैं। होम्योपैथी की जनरली क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं इसके मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। किसी बच्चे को अगर ये गांठ है तो उसके पेरेंट्स को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।